भारतीय सैनिक अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 306 जाबांज अफसर मिल गए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के कैडेट और उनके परिजनों से खास बातचीत की है संवाददाता शैली श्रीवास्तव ने। 306 जेंटलमैन कैडेट्स आज इंडियन आर्मी का हिस्सा हो गए। बात करेंगे परिवार से और जेंटलमैन कैडेट से कि कितनी खुशी उन्हें आज हो रही है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इनके कौन लगते हैं? मैं इनके फादर हूँ, मैं डॉक्टर आईपी जोशी, और ये मेरा लड़का है। और हमें जो है आज बहुत ही खुशी है कि आज हमारा बेटा जो है IMA से पास आउट हुआ है, और इन्होंने अपना जो है एजुकेशन BTech कंप्लीट करने के बाद टेक्निकल कोर्स से ये अपना इंडियन आर्मी ज्वाइन की और आज वहाँ से पास आउट हुए हैं। इसलिए हमारा पूरा परिवार जो है गौरवान्वित है और बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। आपको कैसे लगा कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? जैसे आप देख रहे हैं मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं जो आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, तो इनसे भी मैं मोटिवेट हुआ और काफ़ी प्रयास करने के बाद मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। आप इनकी कौन लगती हैं? मैं दादी। आपको कैसा लग रहा है आज आपके पोते इंडियन आर्मी के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो देख के लग रहा है आप काफी भावुक भी हो गई हैं। बहुत। आप इनके कौन लगते हैं? नाती है मेरे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली, निरीक्षण किया, आपके बेटे आज इंडियन आर्मी का हिस्सा हो गए, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। अच्छा बनेगा, भगवान देश की सेवा करेंगे, भगवान चाहेगा तो अच्छे रैंक से वापस होगा, अच्छे रैंक से। आप इनकी मदर हाँ जी, क्या कितनी खुशी हो रही है आज आपका बेटा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है? मैम आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बेटा आज इंडियन आर्मी में उसने ज्वाइन कर लिया है। एज अ कैडेट तो वो एक साल से घर ही रहा था, लेकिन आज एक ऑफिसर बन के इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत, हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम अपने कलेजे का टुकड़ा आपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हाँ, इसके लिए बहुत, मतलब मन बहुत खुश है और हम सब बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशी इन लोगों के चेहरे पर दिख रही है, कितना गर्व ये लोग महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक जेटली के साथ शैली श्रीवास्तव, स्वराज एक्सप्रेस, देहरादून।